कब आएंगे लोग? दीदी, अभी तक तुम और सनी क्यों नहीं आए? हाँ, अभी तक नहीं आए। दीदी, मुझे लगता है जरूर कोई प्रॉब्लम है। एक काम करती हूँ, जाके मैं देखती हूँ। आप यहीं रहना, ओके? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। मैंने उन चोरों को एक कमरे में बंद कर रखा है। आइए आइए। चलो निकलो, बाहर निकलो। क्या कर रहे हो अंदर? क्या कर रहे हो? जी जी, वो अंकल, हम लोग दरअसल। अच्छा, समझा मैं। चोरी कर रहे थे आपने? बिल्कुल सही कहा, चोरी कर रहे थे ये। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी तिजोरी में से चोरी कर रहे थे। हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, इनकी सूरत पे मत जाइए, ये दिखने में तो बच्चे पर एक नंबर के शैतान है शैतान। दो दिन लॉकअप में रहेंगे ना तो अंकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। हाँ, ले जाइए। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। अरे आप तो खुद ही पुलिस है। ए इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही बताइए। अरे बताओ भाई, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं मालूम। चलिए आप ही बता दीजिए। मैं, अरे अरे मुझे कैसे पता? पर आप ऐसे हम शरीफों के घर में कैसे घुस सकते हो? देखिए मैडम, हम तो बिना बुलाए अपने बीवी के पास भी नहीं जाते। क्या रामदीन सही कह रहा ना? देखा। ओहो, तो फिर आपको यहाँ किस बेवकूफ ने बुलाया? हमका तो लगता है आप ही ने बुलाया, काम का समय बर्बाद कर दिया। अरे हम पुलिस वाले हैं, कोई रद्दी वाले नहीं है। क्या रामदीन ठीक कह रहा? तो मुंडी का हिला रहा हो, चलो चलो यहाँ से। जब देखा मुंडी हिला जा रहा है, बेवकूफ कहीं का। अरे मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ कि पुलिस वालों को घर पे बुलाऊं। क्या हो रहा है? पता नहीं है स्वीटी कहाँ रह गई। मैं आ गई दीदी। दीदी आपको पता है मामी को ऐसा कि? हाँ, करुणा मामी को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो हमें जिंदगी भर याद रखे। हाँ, बस कांता की तरह हमेशा के लिए। पर कैसे? शोनाया होती तो जरूर कोई ना कोई आइडिया बताती। शान, कोई आइडिया? समझ गया, मामी को पैसों का बहुत लालच है, तो हम मामी को पैसे या फिर कोई गिफ्ट देकर फंसाएंगे, या फिर कोई एक्साइटिंग प्राइस। बूम का प्लान, फिर तो मामी की छुट्टी हो जाएगी, अब आएगा मजा। यस। हाय राम, पुलिस आई है? पर क्यों? मम्मी, आए, तू है? मुझे लगा बदल गए हो। ओ नहीं बेटा, मेरे रसगुल्ले। पूरी दुनिया बदल सकती है पर करुणा कभी नहीं। मम्मी, आपने मुझे कहा था ना कि आजकल वो बच्चे बहुत डेंजरस हो गए हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ओ नहीं ओए, इनसे ज्यादा चलाक और तेज तो हम है हम, और डेंजरस भी। ओए, पर सुन, ये हमारे खिलाफ कोई साजिश वाजिश तो नहीं कर रहे? कोई प्लानिंग? मम्मी, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं ना तो हमें फौरन उनका प्लान चौपट कर देना चाहिए। हाँ चल। हाँ चल चल चल। अरे वाह, ये तुम लोगों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? पर कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसे बड़े अच्छे लग रहे हो। ए पर एक बात बताओ, तुम लोग इतना उदास क्यों? मामी, सिंपल दीदी ने हमें कहा है कि आपकी परमिशन के बिना कुछ खाए नहीं। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मेरे प्लेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं आउट ऑफ ऑर्डर हो जाऊंगा। देखा करुणा, तेरा पावर तो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल,
तुम लोग एक काम करो, अंदर जाके ना कल रात की बची सब्जी रोटी खा लो, समझे? नहीं तो तुम्हारे मामा जी रोते हुए आएंगे और मुझे कहेंगे, करुणा तूने मेरे भांजे भांजियों को भूखा ही मार दिया। अरे अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ ऐसे जाओ। मामी मैं जाऊं? और मैंने कहा ना अभी जा। वो नहीं ये। ओहो तो जल्दी जाना, कहीं यही ना कर दे, और इसमें मुझे पूछने की क्या बात है, जा। हाँ आपने तो कहा था मुझसे बिना पूछे कुछ भी मत करना। और चुप कर बेवकूफ, पर ऐसे काम कर सकता है, चल जा जा जा। मामी ये कोरियल से आया था आपके लिए। मेरे लिए? फ्रॉम क्रुएलिटी सोसाइटी? ओए होए ये तो जंक मेल है, छोड़ो इसे, चल कार्तिक चल। ए, चल ना। ये इनाम 10 लाख का है। 10 लाख? 10 लाख? मम्मी 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 मम्मी, पढ़ने दे। क्रूअल सोसाइटी ने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है जिसमें सबसे क्रूअल इंसान को प्रेस्टीजियस मिस क्रूअल अवार्ड दिया जाएगा, साथ में 10 लाख सैश, अ टियर ऑफ डायमंड भी मिलेगा। अरे वाह, अवार्ड को प्रेजेंट करेंगे फिल्म और टेलीविजन के जाने माने विलन्स। अवार्ड सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट होगा, तो तुरंत इंटरव्यू के लिए मिलिए और अपनी क्रुएलिटी का प्रूफ दीजिए। अरे कार्तिक, तूने इन बच्चों को टॉर्चर वॉर्चर करते हुए मेरी कोई फोटो शॉट निकाली है? नहीं मम्मी। स्टुपिड। यस मम्मी। और तुझे तो मेरी वीडियो मूवी उतारनी चाहिए थी, फिर तो मुझे 10 लाख जरूर मिलते हैं ना। मम्मी मैं भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगा, मैंने इन बच्चों को परेशान किया है ना, चॉकलेट की जगह पत्थर, सैंडविचेस की जगह सैंड ऑफ बीच यानी रेत। याद है मम्मी आपने भी खाया था ना? और मैंने बहुत से इनके खिलौने तोड़े हैं, स्टिकर और पेंसिल चुराए हैं, और फ्लोर पर साबुन का पानी डालकर इन्हें फिसलाया है। मम्मी मुझे मिलेंगे ना 10 लाख? और चुप कर, तू अपनी माँ को कम्पीट करेगा, माँ को। चल फॉर्म भर, फॉर्म की तरह। ओके, तो पहला क्वेश्चन, क्या आपने किसी को दुख दिया है? दुख दिया है? एक बार नहीं, दिन में 100-100 बार। वेरी नाइस, टू गुड। क्या आपने किसी का इंसल्ट किया है? इंसल्ट? लो जी, मैंने अपने पति तक को नहीं छोड़ा, ऐसी इंसल्ट की ना कि शर्ट भी इन करना भूल गए। वेरी नाइस। क्या आपने किसी को भूखा रखा है? भूखा? लो जी क्या बात कर रहे हो, जब से इस घर में आई हो ना इन बच्चों को खाना ही नहीं दिया है, भूखा मारा है। टू गुड। क्या आपने किसी को मारा है? 50-50 बार मारा, और वो भी बिना किसी रीजन के। वेरी नाइस। क्या आपने किसी डरावनी जगह में उन्हें बंद किया है? मेरी काल कोठरी में, पूरे इंडिया में फेमस है, फेमस, उसकी तो फोटो भी खींचनी चाहिए, पता है बड़ी डेंजरस जगह है। एक्सीलेंट, तो आपकी लेटेस्ट क्रुएलिटी क्या है? लेटेस्ट क्रुएलिटी है ना जी, है ना, पता है वो बच्चों की माँ की फोटो और कपड़े मैंने काट काट के बराबर कर दिए, कैसे मछली की तरह तड़प रहे थे, देख लेना ये कंटेस्ट मैं ही जीतूंगी, मैं। हाँ तो देर की लगानी, चल सबूत लेकर चलते हैं। हाँ चल चल चल। और क्या? अरे डफर, अपनी छटंगी स्वीटी। देख स्वीटी, तू डरेगी तो नहीं ना? दीदी आप मेरी टेंशन मत लेना, हमें मामी से छुटकारा मिल जाएगा, यही सोचकर मेरा सर डर भाग गया। अब देखना बहादुर स्वी मामी को किस तरह से डराएगी, अब होगा धमाल, देखना स्वीटी करेगी कमाल। शाबाश स्वीटी, दैट्स लाइक माय स्वीट लिटिल बेबी।
ये। दूध पी लूं? हाँ पी लो बेटा पी लो, कोई जल्दी नहीं है। Come on, let's go, Kartik. सबूत चाहिए या नहीं? तो चलो। और देखना कार्तिक, ये कंटेस्ट तो मैं ही जीतूंगी। तू भी कंटेस्टेंट है? पर क्या बात है? इस भरी जवानी में मैंने इतनों को डराया है कि डर ये मेरे नाम से कांपता है, क्योंकि मुझे कॉम्पिटिशन्स पसंद नहीं। तुम्हें डराऊं? नहीं 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 नहीं। ठीक है, छोड़ दिया तुम्हें। लेकिन मामी, अभी तक जज आए क्यों नहीं? आप दोनों में से कंटेस्टेंट कौन है? आप तो वैसे टॉर्चर लगती हैं। आप टॉर्चर क्या करेंगे हैं मैडम? ये क्रुएलिटी शो है। क्या क्रुएलिटी शो? और इसमें ये जो बच्ची है ना, ये आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। ओ ये लगती है? ओ नहीं नहीं जी, वो क्या है ना, वो बाहर बैठे मैंने वो कंपटीशन का बोर्ड देखा था, थोड़ी सी मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। है ये देखिए, ये मेरा फॉर्म है जी, देखिए देखिए देखिए, मैंने एक नहीं पांच 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 बच्चों को टॉर्चर किया है। बस इसमें क्या? बस लो जी, मैंने तो इनका घर भी हड़प लिया है, और जो पैसे इनके खर्चे के लिए आते थे ना महीने के, वो तो मैंने शॉपिंग वॉपिंग भी उड़ा दिए। और तो और मैं तो इनको बेवजह मारती थी, और पता है भूखा भी रखती थी। ये तो बच्चों का खेल मैडम। ओहो, आपको पता नहीं है मैं कैसे कैसे बहाने ढूंढती थी इनको मारने पीटने के। हैं पता है, मैं इन लोगों को मेरी काल कोठरी में बंद कर देती थी। और तो और इनकी माँ की यादों से जुड़ी जितनी भी चीजें है ना, उनको मैंने काट पीट के बराबर कर दिया है। हाँ, अरे सच्ची कसम से, पूछ लो इससे। हाँ अंकल, मामी तो बहुत क्रूएल है, मुझे एक इंजेक्शन मारती है और मुझे बीमार कर देती है। वेरी गुड मेरा बेटा, वेरी गुड। एक मिनट, ठहर जा। ये देखिए, ये वो इंजेक्शन है जिसे मैं स्वीटी को लगाती थी ना, तो वो दो दिन तक सोई रहती थी। ये सब कुछ भी नहीं है अंकल, मैं तो साबुन का पानी फ्लोट उड़ा देता कि ये लोग आया गिरे और इनकी हड्डियां टूट जाए। ओ स्वीटी, बस, वी हैव गॉट एनफ प्रूफ। ये रहा वॉकमैन और वो रहा वीडियो कैमरा जिसमें हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमारे पास सारे सबूत आ गए हैं। तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी थी और तुम उनको हैरेस करती रही। तुम्हारा खेल खत्म हो गया करुणा। Thanks, Sean. Thanks a lot.
तुम्हारी वजह से आज शोना, सनी, स्वीटी, सुमो, मिस कांता के चंगुल से बच पाए, और आज तुम्हारी वजह से वो लोग इतना अच्छा वक्त देख पा रहे हैं जब करुणा मामी उन्हें परेशान नहीं कर पाएगी। मुझे क्रुएल्टी से बहुत नफरत है, बहुत नफरत। मेरे प्लेनेट पर भी बिल्कुल मामी की तरह मेरे अंकल मेरे पेरेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, उन्हें बहुत हैरेस करते वो लोग। आई एम सॉरी शान, मैंने तुम्हारा दिल दुखी किया है। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन इस गलती की मैं सजा भी भुगतने को तैयार हूँ, तुम्हें एक अच्छी सी प्यारी सी चॉकलेट देकर। मैं अभी आई। क्यों मामी, हो गई ना छुट्टी? करुणा, तू तो बहुत भयानक जाल में फंस गई है। अरे कुछ कर वरना तू तो मरी समझो। अरे अजय, तुम कैसे वकील हो हा? तुम्हें पता है तुम ये सब कोर्ट में साबित नहीं कर पाओगे। अरे इन बच्चों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? हमारे पास सारे सबूत हैं, ये वीडियो और ऑडियो टेप, इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है, और ये फॉर्म जो तुम लाई हो और ये सीरिंज जो तुम लाई हो, सारे सबूत हमारे पास हैं। करुणा, तुम तो गई। चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो ये इंजेक्शन मैं इस स्वीटी को लगा दूंगी, और उसके बाद स्वीटी कितने दिन तक सोती है ये मुझे भी नहीं पता चलेगा, समझे? मामी छोड़ दो इसे। चल बेटा कार्तिक, चल सारे से बोल उठा, चल 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 चल। देखिए आप ठीक नहीं कर रहे। चल करुणा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। करुणा तुम ठीक नहीं कर रही हो। करुणा, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।